हेलो स्टूडेंट दिस इज प्रोफेसर नीलो फरमुल्ला और आज मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुका है वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब डबल ओ पी का क्वेश्चन बैंक ओ ओ पी का सब्जेक्ट कोर है थ्री वन थ्री थ्री जीरो फोर जो ब्रांचेस के लिए होने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो पेपर आपका सिक्सटींथ ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दो बस के पाँच मतलब दो से पांच के बीच में होने वाला है ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस तो अभी पढ़ लिया है बहुत सारा बहुत सारा सिलेबस पढ़ लिया है मैम बहुत सारे क्वेश्चंस है बहुत सारे प्रोग्राम्स है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कौन से कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है ये आज हम लोग देखने वाले हैं साथ ही साथ हम लोग बैक प्रीवियस फोर जो हमारे पेपर्स है वो फोर पेपर्स का एनालिसिस करके भी डिसाइड करेगी कि कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना है कौन से चैप्टर से कौन से पॉइंट्स को ज्यादा प्रिपेयर करना है ये भी आज हम लोग ये वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखो फर्स्ट हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो अभी जो के स्कीम है उसके अंदर सिक्सटीन मार्क्स के लिए है ये पेपर जो है ये प्रीवियस स्कीम के है आई स्कीम के पेपर्स है जो विंटर ट्वेंटी टू समर ट्वेंटी टू बट सिलेबस इज सेम सिलेबस होल सिलेबस सेम है कोई भी सिलेबस के अंदर डिफरेंस नहीं है सिर्फ जो चैप्टर्स का वेटेज है वो कम ज्यादा किया गया है लेकिन ये जो चैप्टर है ये ओवरऑल लास्ट सेमिस्टर के अंदर मैक्सिमम ट्वेंटी सिक्स मार्क्स के लिए पूछा गया था मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस टू एंड फोर मार्क्स के रहते हैं दो मार्क्स और फोर चार मार्क्स का मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन सेकेंड टू फोर्थ क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है हमारे वो हमारे रहने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब हमारे फर्स्ट यूनिट के ऊपर रहने वाले तो विंटर ट्वेंटी टू में टोटल वेटेज था ट्वेंटी सिक्स समर ट्वेंटी टू में उसका वेटेज है ट्वेंटी ये विथ ऑप्शन है अभी आपका अगर इसका वेटेज 16 मार्क्स भी है तो विद ऑप्शन ये 20 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा 24 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा तो 16 इज मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स विद ऑप्शन इसके हर एक चैप्टर के बढ़ सकते हैं ओके तो यहाँ पे देखो समर 23 के अंदर ये 24 मार्क्स के लिए पूछा गया विंटर 23 के लिए 18 मार्क्स के लिए समर 24 20 मार्क्स तो ये है हमारा प्रीवियस जो फाइव पेपर्स है उसका पूरा एनालिसिस है कौन से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया ये भी दिया गया मैक्सिमम देखो फर्स्ट ए जो है हमारा क्वेश्चन नंबर वन ए ये इसी चैप्टर में से रहता है फिर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इसी चैप्टर पे फर्स्ट में थ्री थ्री क्वेश्चन है देन टू क्वेश्चन देन वन क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन मतलब जो टू मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जाएंगे हमें ये इस चैप्टर के ऊपर पूछे जाने वाले हैं तो ये है ओवरऑल एनालिसिस इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन के पूरे आंसर का डिटेल कॉपी आपको तोसिब ट्यूटोरियल एप्स के अंदर मिल जाएगा डबल ओ पी जो हमारा कोर्स है उसके अंदर आपको इसका डिटेल पूरा विथ आंसर हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा तो अभी हम लोग देखते हैं कि टू मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फोर मार्क्स के लिए अभी यहाँ पे ये सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है टू मार्क्स फोर मार्क्स एंड सिक्स मार्क्स के बजाय टू मार्क्स फोर मार्क्स और प्रोग्रामिंग देखेंगे हम लोग क्योंकि जो सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन रहेंगे आईधर और जो फोर मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे उन फोर मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा इलाबोरेट करके लिखना पड़ता है यही इसके सिक्स मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टू मार्क्स के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है ये टॉपिक्स है और उन टॉपिक के ऊपर कौन से कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था पीओपी वर्सेस डबल ओपी ओओपी तो उसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस अगर दो मार्क्स के लिए पूछा गया तो एनी टू पॉइंट्स अगर फोर मार्क्स के लिए पूछा गया तो एनी फोर पॉइंट्स यू हैव टू राइट ओके तो ये हो गया फर्स्ट आइदर इधर पूछेंगे सी सी प्लस प्लस या फिर पूछा जा सकता है आपको पीओपी पीओपी इज अ

State any टू फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर सिर्फ पूछा जा सकता है स्टेट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो जब हमें टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिस्टिंग का पूछा जा सकता है तो वहां पे दो जो पॉइंट्स है वो मैंडेटरी रहते हैं लेकिन अगर आपको ज्यादा फीचर्स आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तो आप उन सबको लिस्ट कर सकते हो कभी भी याद रखो एक्स्ट्रा लिखो जितना है उतना लिखने जाओगे कभी कोई स्पेलिंग गलत हो गया कंसिडर नहीं किया गया तो वहां पे प्रॉब्लम आपको आ सकती है देन नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पता है हम लोगों को कौन से कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके एग्जाम्पल्स कौन से है तो वो आपको क्या करना है सिर्फ लिस्ट करना है उनके देन है एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हम लोगों ने एप्लीकेशन भी देखे है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कौन से हैं तो सिर्फ इलेबोरेट नहीं करना है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है हमें सिर्फ उसको लिस्ट करने वाला क्वेश्चन इस पे दो मार्क्स के लिए आ सकता है नेक्स्ट आता है पॉइंट डेटा टाइप तो डेटा टाइप के ऊपर आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पहला क्वेश्चन तो आ, आ सकता है कि एक्सप्लेन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद एग्जाम्पल मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से है ये विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो तो हम लोगों ने डेटा टाइप देन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजर डिफाइन डेटा टाइप देन उसके टाइप्स ये पूरा एक डायग्राम के थ्रू स्टडी कर लिया है उसके अंदर जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाला पार्ट था दैट यू हैव टू एक्सप्लेन फॉर टू मार्क्स ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आने के जो चांसेस है वो ये हो सकता है कि डेटा टाइप और उसका स्टोरेज कैपेसिटी कि डेटा टाइप कौन सा है कौन से कौन से डेटा टाइप से हमारे और हर एक डेटा टाइप का स्टोरेज कैपेसिटी बताओ ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस डेटा टाइप के ऊपर बहुत ज्यादा है देन नेक्स्ट है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के ऊपर टू मार्क्स के लिए फोर मार्क्स के लिए एंड सिक्स मार्क्स के लिए अभी तक का रिकॉर्ड है इस टॉपिक का सॉरी uh, uh, इसके लिए टू मार्क्स और फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गए हैं पहला है स्टेट यूज ऑफ अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल ये टू मार्क्स के लिए बहुत शॉर्ट में लिखना है आप लोगों को स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है जो हमारे आ, ग्लोबल वेरिएबल्स है उसको लिखने के लिए उसको यूज करने के लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं फिर उसका एग्जाम्पल विद स्कोप तो, रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो हम लोग कोलन डबल कोलन दे जो लिखते हैं ऑपरेटर उसको मतलब उसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं हम लोग वेरिएबल के आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर तो ये सारे वे से आपको टू मार्क्स के लिए इन शॉर्ट लिखना है लेकिन जब सेम क्वेश्चन आपको मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो वहाँ पे है पूरा आपको कंपलसरी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा इफ दिस क्वेश्चन इज आस्ड फॉर फोर देन नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर तो ये टॉपिक हमारा एड के, के के किया गया है जो मतलब स्पेशली ऐड किया गया है बाकी ऑपरेटर्स को हटा दिया है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर को रखा गया है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टेट यूज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर विद एग्जाम्पल तो आपको लिखना है दो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स उनका यूज लिखना है कि न्यू ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है डिलीट ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है और उसका एक शॉर्ट में एक एग्जाम्पल आपको लिखना है टू मार्क्स के लिए है सिर्फ तो टू मार्क्स के लिए भर भर के मत लिखो टू मार्क्स के लिए इन शॉर्ट ही लिखना है उसके अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट तो क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ हमें डेफिनेशन पूछा जा सकता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का तो डेफिनेशन अगर पूछेंगे तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ो मत आपको क्या लिखना है डिफाइन क्लास के अंदर यू हैव टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ क्लास डेफिनेशन ऑफ क्लास में क्या लिखोगे क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन या क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वट इवर डेफिनेशन आपको बाय हार्ट है आपको जो पसंद है डेफिनेशन लेकिन करेक्ट वाला लिखना वो डेफिनेशन लिखो और उसके नीचे एक शॉर्ट सिंटैक्स लिखना है क्लास हम लोग कैसे लिखते हैं क्लास देन क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन देन हमारा जो स्पेसिफायर है वो देन कोलन फिर डेटा मेंबर्स देन मेंबर फंक्शंस तो ये जो क्लास का प्रॉपर सिंटैक्स है दैट यू हैव टू राइट और फिर उसके नीचे एग्जांपल में क्लास स्टूडेंट कर ली ब्रैकेट ओपन इंटीजर रोल नंबर नेम ऐसा छोटा लिखोगे आप तो भी चलेगा या फिर सिर्फ सिंटैक्स लिख के क्लास स्टूडेंट कर ली ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखोगे तो भी चल जाएगा ओके देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है ऑब्जेक्ट ज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास या फिर हम लोग बोल सकते तो का कैसे लिखना है क्लास नेम लिखना है तो इफ स्टूडेंट इज अ क्लास तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना ऐसे सिर्फ दो लाइन में लिखो चेक करने वाला वट एवर जो कोई भी हमारा चेकिंग करने वाला बंदा है वो सिर्फ क्या देखता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है ये देखता है थोड़ा राइटिंग में ऊंच नीच हो जाएगा तो भी चलेगा लेकिन जो सिंटैक्स जो कुछ भी प्रोग्राम आप लोग लिख रहे हो दैट शुड बी प्रॉपर वो प्रॉपर आना चाहिए ओके देन नेक्स्ट ये है टाइप टाइप कास्टिंग कास्टिंग में हमेशा क्वेश्चन जो रहता है वो टू मार्क्स के लिए सिर्फ uh, मतलब टाइप कास्टिंग का डेफिनेशन लिखो और टाइप कास्टिंग कैसे किया जाता है इतना सिर्फ लिखोगे तो भी चल जाएगा लेकिन जब यही क्वेश्चन फोर मार्क्स के लिए आता है तो प्रॉपर आपको जो नैरोइंग वाइंडिंग या फिर हमारा जो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट है ये प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ता है कभी कभी ये क्वेश्चन छह मार्क्स के लिए भी पूछा गया तो जितना मार्क्स के लिए क्वेश्चन है उतना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाने का कामिज यूस डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ अ टाइप कास्टिंग यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल दो मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगी कि टाइप कास्टिंग में क्या होता है एक डेटा टाइप का डेटा दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो इसके अंदर दो टाइप्स है सिर्फ मैं लिस्ट करके रखूंगी इम्प्लिसिट में क्या होता है एक, में क्या होता है दैट्स इट इतना ही लिखूंगी उसके आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगी लेकिन अगर ये फोर मार्क्स के लिए पूछा गया तो मुझे इम्प्लीसिट भी एक्सप्लेन करना है एक्सप्लिसिट भी एक्सप्लेन करना है दोनों में से किसी का एक एग्जाम्पल एक दोगे तो चले यही क्वेश्चन सिक्स मार्क्स के लिए पूछा गया पूरा डेफिनेशन इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है विथ प्रॉपर सिंटैक्स देन यू हैव टू राइट अ प्रॉपर कोड प्रॉपर कोड मतलब हैश इंक्लूड से लेके पूरा कोड लिखना आपको पड़ेगा वहां पे देन नेक्स्ट पॉइंट है सी इन एंड सी आउट जो हमारे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन एक्सप्लेन इनपुट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस या फिर पूछा जा सकता है एक्सप्लेन सी इन एंड सी आउट ऑपरेटर इससे पहले क्वेश्चन आता था एक्सप्लेन इम्प्लिसिट सॉरी एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ता है ऑपरेटर का साइन लेना है सिर्फ जो हमारा इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो हम लोग सी इन सी आउट के लिए जो यूज करते हैं वो ऑपरेटर का साइन लिखना है उसका मीनिंग लिखना है फिर दिस ऑपरेटर इज यूज विथ सी आउट दिस ऑपरेटर इज यूज विथ सी इन तो ये प्रॉपरली हमें क्या करना है एक्सप्लेन करना पड़ेगा देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी फोर मार्क्स के लिए इस चैप्टर के अंदर कौन से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, First question है विथ सुबल एग्जाम्पल डिस्क्राइब दी प्लस प्लस प्रोग्राम अगर आपको याद है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो जो हमने लिखा था यहाँ पे हेडर फाइल जो ब्लॉक वाला डायग्राम था जो हेडर फाइल है देन उसके अंदर आपको क्लास लिखना है देन क्लास के डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन देन मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो ये सारा जो पार्ट है ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस तो सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट सेक्शन क्या बताता है सेकेंड सेक्शन क्या बता रहा है थर्ड सेक्शन क्या बता रहा है इसको प्रॉपरली आपको फोर मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा एक्सप्लेन प्रॉपरली करना ही पड़ेगा क्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट दायनामिक इनिशलाइजेशन ऑफ अ वेरिए वेरिएबल को हम लोग स्टैटिकली कैसे इनिशलाइज करेंगे जब यूजर से डेटा हम लोग लेते हैं दैट इज न डायनेमिक तो लिखना है हमें कि अगर ये मेरा वेरिएबल है तो अगर मैं इंटीजर आईज इक्वल टू टेन लिखती हूँ तो ये है स्टैटिक वेरिएबल का मेरा डिक्लरेशन डायनेमिक मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम जब हम लोग किसी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं डायनामिक इसका टोटल आपको जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको भी, जो हमने डायनामिक स्टैटिक वेरिएबल वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग है वहां पे आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम फॉर गेट एंड पुट फंक्शन जो हमारा गेट एंड पुट फंक्शन है उसके ऊपर हमें कोई भी एक प्रोग्राम लिखना है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है देन अगेन एक्सप्लेन द्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चन है जो फोर मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे मैक्सिमम प्रोग्राम्स है ओके देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन अ सी प्लस प्लस जो मैंने आपको नेमिंग के रूल्स बताए थे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है कोई भी क्लास डिक्लेयर करना है या कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करना है मैंने वहां पे नेम लिया था आइडेंटिफायर वही रूल्स आपको लिखने हैं मतलब किसी भी वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का नेम हमारा कीवर्ड नहीं होना चाहिए वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए ब्लैंक स्पेस या व्हाइट स्पेस नहीं आना चाहिए तो ये सारे जो रूल्स है आपको जो एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर किए हैं वही रूल सिर्फ आपको क्या करना है नंबरिंग नंबर देके कोई भी फोर पॉइंट्स को आपको लिखना है उसके लिए सिर्फ आपको फोर मार्क्स मिलने वाले हैं देन तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर कौन से कौन से प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तभी बोला था कि फैक्टोरियल फिबोनिस सीरीज Fibonaki या प्रोनाउंसिएशन कैसे भी करो स्पेलिंग सेम ही आएगा फिबोनिकी सीरीज देन उसके बाद इवन ऑड नंबर वाला देन प्राइम नंबर ये जो प्रोग्राम से ये बेसिक प्रोग्राम से इसमें से कोई भी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर ये बेसिक प्रोग्राम में से कोई भी प्रोग्राम फोर मार्क्स के लिए इस चैप्टर के अंदर आपको पूछा जा सकता है तो फर्स्ट प्रोग्राम देखो कौन सा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड और ब्रैकेट में दिया है टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड मतलब क्या है सी इन से नंबर को इनपुट करके लेना है एंड देन यू हैव टू चेक इफ दैट नंबर वॉट टू इज इक्वल टू इक्वल टू जीरो है तो डिस्प्ले करो द नंबर इज इवन इज द नंबर इज ऑर तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है डेवलपर सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट द दी सीरीज मैंने पहले ही बताया आपको सीरीज में हमेशा फर्स्ट जो दो नंबर रहते हैं सीरीज के अंदर वो रहता है जीरो एंड वन एंड नेक्स्ट नंबर विल बिकम एडिशन ऑफ अ प्रीवियस टू एंड सो ऑन ये ऐसे ही सीरीज हमारा चलते रहेगा अगर हमें बताया गया है कि थ्री नंबर तक करो फोर नंबर तक करो तो फिर हम लोग क्या करेंगे वहां पे उतने नंबर तक कर सकते लेकिन अगर हमें बताया नहीं गया तो हम लोग हमारे हिसाब से फॉर लुप के अंदर जितने भी हमें नंबर पुट करने वाइल के अंदर करो फॉर के अंदर करो उतने नंबर ऑफ सिर्फ हम लोग इटरेशन ले सकते हैं उतने नंबर ऑफ हमारी सीरीज हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं देन नेक्स्ट इज डेवलप प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर हमारे पास जो नंबर दिया गया है उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है यूजिंग फॉर लूप कौन से लूप से बताया गया है अगर हम लोगों ने वहां पे वाइल लूप से भी लिया है तो भी हम लोगों ने क्या किया इनिशियलाइजेशन किया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है एंड देन कंडीशन भी लिखा है वाइल के अंदर तो वही सिर्फ हमें क्या करना है फॉर लूप के अंदर लिखना है फॉर हमारा स्टार्ट नंबर कहाँ से होने वाला है कहा तक जाने वाला है एंड इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है ये वाला पॉइंट ओके देन जैसे हम लोगों ने फैक्टोरियल का लॉजिक लिखा था सेम लॉजिक यू हैव टू राइट हियर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इन टू जो कुछ भी हमारा आई का वैल्यू है दैट यू हैव टू राइट एंड इनिशियलाइजेशन फैक्ट इज इक्वल टू वन करना जीरो नहीं करना है देन नेक्स्ट आता है डेवलपर सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू एड टू थ्री डायमेंशनल थ्री बाई थ्री मैट्राइसिस एंड डिस्प्ले द एडिशन जब आप लोग थ्री बाई थ्री मैट्राइसिस कंसिडर करते हो तब आप लोगों को इतना याद रखना है कि यहाँ पे पूरा जो खेल है दैट इज ऑल अबाउट यहाँ पे हमें क्या करना है देखो इतना पता है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए कितने के जिसके नंबर ऑफ रोज थ्री है नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री है मतलब हम लोगों को इनिशियलाइज करना है ये थ्री थ्री बी थ्री थ्री एंड थ्री सी के अंदर क्या आने वाला है हमारा एडिशन आने वाला है सी थ्री थ्री तो ये तीनों मैंने इंटीजर डिक्लेयर करके ले लिए अभी खेल पूरा है फॉर लूप का जो नेस्टेड फॉर लूप है इस फॉर लूप को तीन बार यूज करना है एक के अंदर सी इन ए ऑफ आई जे करना है एक के अंदर सी इन बी ऑफ आई जे करना है थर्ड के अंदर सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ प्लस बी ऑफ आई जे प्रोग्राम खत्म इतना ही करना है हर एक को लेकिन नेस्टेड फॉर फॉर लूप लूप दो दो जिसके अंदर क्या रहने वाला है आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस सेम फॉर जे जे इज इक्वल टू जीरो जे इज लेस देन थ्री एंड जे प्लस प्लस ये लूप सेम रहने वाला है फर्स्ट फॉर लूप में यू हैव टू राइट सी इन ए ऑफ आई जे सेकेंड फॉरलुप सेम फॉर्मलुप ये यहाँ पे कंप्लीट करना है ओके okay? दोनों देन सेम फॉर्मलुप आएगा उस फॉर्मलुप के अंदर आएगा सी इन बी ऑफ आई जे एंड थर्ड फॉरलुप में आएगा सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सॉरी ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे हो गया इतना ही प्रोग्राम है दिखने के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है लेकिन उसके अंदर सिर्फ आपको एक फॉर्मलुप समझ में आ गया तो तीन ही स्टेटमेंट लिखने एक तो ए को इनपुट करके लेना है बी को इनपुट करके लेना है और सी को इनपुट करके लेना क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसमें से जितने भी प्रोग्राम है इसके लिए क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम सिंपली मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं ये सभी प्रोग्राम्स हम लोगों को कहाँ पे लिखने हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है ओके देन नेक्स्ट इज डेवलप सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टेन नंबर्स यूजिंग एरे आर एस करके हमें क्या करना है किसी भी टेन नंबर्स का क्या करना है एडिशन करना है तो पहले एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा उस एरे का वैल्यू आई दर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है यूजर से कैसे इनपुट करके लेना है तो डायरेक्टली इनिशलाइज करो करली ब्रैकेट के थ्रू सपोज मेरा ए ऑफ टेन है तो ऑफ टेन का वैल्यू टेन सेपरेटेड विद द कॉमा करो और इसका हर एक का फॉर लुक लगा के फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन एंड प्लस प्लस करके एक सम वेरिएबल ले लो सम इज इक्वल टू वन ले लो जीरो ले लो सॉरी देन इसके अंदर क्या आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई तो ऐसे हमारे टेन नंबर्स के क्या हो जाएगी एडिशन होते ही जाएगी एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हो उस सम को लुक के बाहर डिस्प्ले कर सकते हैं तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम देन और कौन से टाइप के प्रोग्राम है अभी आ गए हमारे क्लास ऑब्जेक्ट वाले प्रोग्राम तो क्लास ऑब्जेक्ट वाले प्रोग्राम का इन शॉर्ट मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एकदम सिंपल वे से मैंने आपको बताया कि क्लास ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम लिखे कैसे जाते हैं क्लास ये देखो आधे से ज्यादा कोड तो यहाँ पे दिया रहता है क्या करना है आपको राइट सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ क्लास क्लास स्टूडेंट इसका मतलब मेरा का नाम आना चाहिए स्टूडेंट तो मुझे लिखना है क्लास स्टूडेंट ओके देन यू हैव टू चेक आपको पता है सेंटेक्स पता होना चाहिए देन आपको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो कुछ भी लिखना है वो स्पेसिफायर लिखो देन रोल नंबर और नेम रोल नंबर का डेटा टाइप इज इंटीजर नेम का डेटा टाइप इज कैरेक्टर एरे ओके तो ये डिक्लेयर करके सिर्फ क्या करना है एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा यहाँ पे बताया नहीं क्या इतने इतने के लिए करना है उतने के लिए करना मतलब थ्री स्टूडेंट फोर स्टूडेंट तो आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हो तो एक्सेप्ट करना है तो चॉइस यूवर्स मैंने हमेशा आपको बोला है वॉइड गेट फंक्शन यूज करो डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करो डिस्प्ले फंक्शन को यूज करो तो गेट के अंदर प्रोग्राम को कैसे लिखना है यूजर से कैसे इनपुट करके लेना है और डिस्प्ले के अंदर क्या करना है इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सेकेंड चैप्टर जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो सिक्सटीन मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और मैक्सिमम ये जो प्रीवियस एग्जाम है उसके अंदर थर्टी सिक्स मार्क्स के लिए पूछा गया है और इसके अंदर हमें जो है वो एंड के के अंदर के जो है ये इस चैप्टर से मेजोरिटी पूछे जा सकते हैं तो ये पूरा ओवरऑल इसका एनालिसिस है कि विंटर ट्वेंटी टू में देन विंटर ट्वेंटी थ्री समर ट्वेंटी टू समर ट्वेंटी थ्री समर ट्वेंटी फोर इसके अंदर ये अ चैप्टर का वेटेज कैसा था ओके देन नेक्स्ट अभी इस चैप्टर के अंदर टू मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन से ये हम लोग देखते हैं राइट एनी टू कैरेक्टर्सिस्टिक्स ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन हम लोगों को पता है फ्रेंड फंक्शन क्या नहीं होता है किसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है तो ये भी उसका एक कैरेक्टर्सिस्टिक हो गया है ना कोई भी फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास के अंदर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसके पैरामीटर में क्या आना चाहिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट आना चाहिए ये उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया उस तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि हम लोग कोई भी फ्रेंड फंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते तीसरा मतलब जैसे नॉर्मल क्लास फंक्शन को हम लोग कॉल करते वैसे कॉल नहीं कर सकते ये हो गया उसका तीसरा प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इन दैट वे यू कैन लिस्ट फॉर टू मार्क्स देन नेक्स्ट so, है डिफाइन कंस्ट्रक्टर एंड लिस्ट कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर इज क्या है क्लास नेम जैसा आने वाला है जिसको कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता नॉट इवन वर्ड अभी इसका लिस्ट है लिस्ट मतलब कौन से कौन से हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसका लिस्ट करो तो ये जो है इसके लिए वन मार्क्स रहेगा इसके लिए वन मार्क्स रहेगा तो जितने भी कंस्ट्रक्टर के टाइप है, जो है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर कॉपी कंस्ट्रक्टर

ट है स्टूडेंट क्लास का तो मैं उसको इंस्टेड ऑफ एस डॉट गेट कैसे कॉल सक, कर सकती हूँ स्टूडेंट डॉट गेट से भी कॉल कर सकती हूँ है है। तो मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो आप याद रख के टू टू मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आराम से लिख सकते हो देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन इनलाइन मेंबर फंक्शन तो इनलाइन मेंबर फंक्शन क्या होता है जो सिंगल लाइन में या छोटा फंक्शन रहेगा उसको हम लोग इनलाइन फंक्शन कह, कहते हैं जिसका जो बॉडी है वो कहाँ पे मिलता है एट द टाइम ऑफ अ जहाँ जहां पे हम लोगों ने उस फंक्शन को कॉल किया है कंपाइलर डायरेक्टली उसका बॉडी वहां पे लाके प्लेस करता है तो हम लोगों को लिंक करने की जरूरत नहीं होती वो वही से एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को मतलब ये किसके लिए किया जाता है कि हमारा अगर प्रोग्राम का कोड छोटा है फंक्शन छोटा है तो एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम लोग इन इन लाइन फंक्शन को यूज करते हैं ये हो गया हमारे टू मार्क्स के क्वेश्चन अभी फोर मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टर विथ अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट विथ एन एग्जाम्पल पहले तो हमें कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन लिखना है देन हमें लिखना है कंस्ट्रक्टर विथ अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही होता है लेकिन इसमें से किसी भी पैरामीटर का जो वैल्यू है वो पैरामीटर के अंदर ही इनिशियलाइज किया जाता है दैट इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर विद अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो स्पेसिफिक जो हमारा पैरामीटर है उसका पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करते क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया होता है तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगा नेक्स्ट है एक्सप्लेन फ्रेंड फंक्शन एंड तो यहाँ पे आपको फ्रेंड फंक्शन की जरूरत क्या है यहाँ से यहाँ से शुरुआत करना है कि किसी भी क्लास का पब्लिक जो हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर्स होता है वो आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं होता लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा तब आता है हमारा फ्रेंड फंक्शन तो वहां से शुरू करना है उसका सिंटैक्स लिखना है और फ्रेंड फंक्शन का एक एग्जाम्पल मतलब कोई भी क्लास लेके उसका एक फ्रेंड फंक्शन लिख के उसका एक एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर विथ सूटेबल एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग जो हमारा नेक्स्ट मतलब दोनों सिमिलर है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में अगर आप लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर भी करके जाओगे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मतलब किसी भी क्लास के अंदर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं तो जब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर कंसिडर करते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर एक आइदर पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब दो कंस्ट्रक्टर रहते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर वो भी आप वहां पे इन शॉर्ट करके जा सकते हो अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम आएगा मतलब कोई पॉइंट आएगा तो वो वहां पर भी लिख सकते हो और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिख सकते हो आप देन आपको कंपैरिजन आ सकता है कंपैरिजन ऑफ अ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे चीजें बता दी है तो नॉन स्टैटिक की उसके अपोजिट में रहेगी ये डिफरेंस आपको फोर मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है देन नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के कोई भी फोर प्रॉपर्टीज जिसमें से आधे से ज्यादा मैंने अभी आपको बता दिया है कंस्ट्रक्टर क्या होता है कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर किया जाता है कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे देते हैं उसको कोई रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता है तो ये सारे अगर आप एक सेंटेंस में लिस्ट करोगे तो वो उस कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टी हो जाएगी रटो मच समझ के लो और फिर लिखो बहुत इजी सब्जेक्ट है ये देन नेक्स्ट इज स्टेट डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड अ डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है तो ये डिफरेंस आपको फोर मार्क्स के लिए फोर पॉइंट्स का डिफरेंस मिनिमम फोर पॉइंट्स का डिफरेंस लिखना है तो आई विल सजेस्ट कि सिर्फ फोर मार्क्स के लिए आया तो फोर का लिख के छोड़ो मत दो मार्क्स के लिए आया तो दो का लिख के छोड़ो मत जितना मैक्सिमम लिख सकते हो उतना लिखो कि कोई पॉइंट कोई स्पेलिंग या कोई सेंटेंस मेकिंग अगर गलत भी हो गया तो भी जो बाकी वाले सेंटेंसेस वो करेक्ट आ गए तो आपके मार्क्स वहां पे आपको मिल सकते हैं मार्क्स कहीं पर भी कट नहीं हो गए आपके देन नेक्स्ट है प्रोग्राम सेकेंड चैप्टर के अंदर प्रोग्राम जो पूछे जाएंगे ये सेम हमारा क्लास ऑब्जेक्ट वाला प्रोग्राम पूछा जाएगा लेकिन यहाँ पे आएगा फॉर फाइव बुक्स देखो वहां पे सिर्फ क्या किया था एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा था लेकिन यहाँ पे आ गया फॉर फाइव बुक्स प्रोग्राम ओवरऑल सेम है डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आएगा मेन फंक्शन के अंदर मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे क्लास रिमेन सेम सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड उस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को बाय यूजिंग फॉर लूप हर एक मेंबर फंक्शन को क्या करना पड़ेगा आपको कॉल करना पड़ेगा तो ये, ये सेम ये देखो स्टूडेंट एम्प्लॉय पर्सन बुक मोबाइल तो ये जो क्लासेस है स्ट्रक्चर सेम है सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा आपको तो एक बार एक स्केलेटन मैं स्केलेटन ही बोलूंगी डायरेक्टली एक क्लास का स्केलेटन याद कर लिया तो उस क्लास के अंदर सिर्फ नेम क्लास का नेम डेटा मेंबर्स चेंज होते रहेंगे बाकी स्ट्रक्चर जो है आपका क्लास का पूरा सेम रहेगा और ये मैंने आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे हम लोग क्लास को लिख सकते हैं अगर हम लोगों को कुछ समझ में भी, भी नहीं आ रहा है तो भी हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम अच्छे से लिख सकते हैं देन नेक्स्ट राइटर सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग क्लास रेक्टेंगल विच हैज द फॉलोइंग डिटेल्स तो देखो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ही हमें क्लास का नेम दिया जाता है वही क्लास नेम लिखना है तो मतलब मेरा फर्स्ट थिंग जो मुझे दिया है दैट इज नथिंग बट माय क्लास नेम ओके तो क्लास रेक्टेंगल तो क्लास रेक्टेंगल के अंदर मुझे एक्सेप्ट क्या करना है लेंथ को एक्सेप्ट करना है ब्रेड को एक्सेप्ट करना है मतलब अभी मेरा क्या दिया गया है दो वेरिएबल्स दिए गए पहला वाला लेंथ है दूसरा वाला ब्रेड है तो ये मैंने गेट फंक्शन के अंदर यूजर से इनपुट करके ले लिया देन नेक्स्ट क्या बोला है मुझे कैलकुलेट करो एरिया तो मुझे क्या करना है अभी कौन सा फंक्शन लिखना है एरिया नाम का फंक्शन लिखना है और एरिया नाम के फंक्शन के अंदर मुझे क्या लिखना है रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ और उसको यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले करना है डिस्प्ले फंक्शन अलग से लिखना है मतलब यहाँ पे गेट फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स को यूजर से इनपुट करके ले लिया एरिया फंक्शन के अंदर फॉर्मुला लगाया और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने क्या किया इस जो हमारे हमने रिजल्ट जो कैलकुलेट किया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कैलकुलेट किया है उसको हमें क्या करना है वहां पे डिस्प्ले करना है ओके तो ये से प्रोग्राम हमें लिखना पड़ेगा देन अगेन मेन फंक्शन के अंदर रेक्टागल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पहले गेट फंक्शन देन कैलकुलेट फंक्शन एंड देन डिस्प्ले फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा कॉल करना पड़ेगा देन नेक्स्ट है सी प्लस प्लस प्रोग्राम यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर लिस्ट उसका एक एग्जाम्पल आपको क्या करना है लिखना है मतलब यहाँ पे प्रॉपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लास लिखना है देन एक उसका कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त उस पैरामीटर को पास करना पड़ेगा नेक्स्ट देखो सेम प्रोग्राम है यहाँ पे फाइव बुक्स के लिए पूछा गया है यहाँ पे टेन एम्प्लॉयज के लिए पूछा गया क्लास दिया है क्लास का नेम दिया है डेटा मेंबर्स दिए गए हैं डिस्प्ले फंक्शन एक्सेप्ट फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन या फिर गेट फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन लिखना है लेकिन कितने एम्प्लॉयज के लिए टेन एम्प्लॉयज के लिए मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कितने कितने का एरे रहेगा हमारा टेन का एरे रहने वाला है डेवलपर्स सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर मतलब एक तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किसी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में किसी भी पैरामीटर को इनिशियलाइज़ करोगे तो वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और उसके साथ ही साथ में यू हैव टू राइट अ डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मतलब सेम कंस्ट्रक्टर का ही नेम रहेगा विथ अ टिल्ड साइन जो हमारा टिल्ट वाला साइन है अगर हम लोग किसी कंस्ट्रक्टर नेम के आगे लिखेंगे कंस्ट्रक्टर पैरामीटर पैरामीटराइज होता है लेकिन डिस्ट्रक्टर कभी भी पैरामीटराइज नहीं होता वो नॉर्मल फंक्शन ही रहता है देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर विच इज एक्सट्रेडिंग क्लासेस यूजिंग इनहेरिटेंस तो ये अभी जो वेटेज है उसका वो सिक्सटीन मार्क्स का है प्रीवियस पेपर में ये मैक्सिमम ट्वेंटी फोर मार्क्स के लिए पूछा गया है जिसके अंदर इंक्लूडिंग टू मार्क्स फोर मार्क्स एंड सिक्स मार्क्स के लिए पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर जो सिक्स मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो होता है इनहेरिटेंस का प्रोग्राम जो हमारा मल्टीलेवल uh, इनहेरिटेंस रहने दो मल्टीपल इनहेरिटेंस या फिर जो हमारा हाइब्रिड हाइकल इनहेरिटेंस उसका डायग्राम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके हिसाब से यू हैव टू राइट द प्रोग्राम तो टू मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन देखो स्टेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबिलिटी मोड इन इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस के अंदर कितने विजिबिलिटी मोड्स आते हैं वो सिर्फ लिस्ट करना है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तो ये आपको क्या करना है लिस्ट करना देन नेक्स्ट गिव द सिंटैक्स फॉर अ कंस्ट्रक्टर इन अ डिराइव्ड क्लास डिराइव्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बताया था मैंने आपको डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर उसके जो बेस क्लासेस के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर है लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के जो टाइप है सिंगल लेवल मल्टी लेवल मल्टीपल हर आर्चिकल हाइब्रिड ये सारे टाइप्स को आपको लिस्ट करना है डिफाइंड इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इज अ मैकेजम ऑफ अ डिराइविंग अव क्लास फ्रॉम ऑलरेडी एक्सिस्टिंग क्लास दैट इज नथिंग बट एनहेरिटेंस अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ये इतने क्वेश्चन आपको आ सकते हैं टू मार्क्स के लिए देन फोर मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है वॉट इज मल्टीलेवल इनहेरिटेंस जिसके अंदर क्या होता है डिराइव क्लास जो होता है वो बेस क्लास होता है किसी अदर डिराइव क्लास के लिए और उसका कोई भी एक स्मॉल प्रोग्राम लेना है आपको मल्टीलेवल मतलब एक के नीचे एक थ्री बॉक्सेस वाला कोई भी एक एग्जाम्पल यू हैव टू एक्सप्लेन फॉर दिस क्वेश्चन क्स्ट है एक्सप्लेन एब्रैक्ट क्लास विपल पहले लिखना है, abstract class क्या होता है और फिर उसका उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम लिखना है देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब ऑल विजिबिलिटी मोड्स एंड इफेक्ट विथ एग्जाम्पल देखो जब हम लोग विजिबिलिटी मोड विथ एग्जाम्पल करोगे तो आपको जो टेबल uh, दिया हुआ है कि पब्लिक रहेगा तो कैसे एक्सेस होगा पब्लिक डेटा मेंबर्स किधर जाएंगे प्राइवेट डेटा मेंबर्स किधर जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो पहले डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है और फिर कोई भी एक एग्जाम्पल लेके मतलब अगर बेस क्लास में पब्लिक था और अगर हम लोगों ने इनहेरिटेंस करते वक्त अगर पब्लिक प्राइवेट लिखा तो उसका एक्सेस क्या होगा कैसे एक्सेस किया जाएगा ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्ले करना पड़ेगा तो हमें जब हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस एम्बिग्यूटी वाला पार्ट आता है तो वर्चुअल बेस्ड क्लास वर्चुअल बेस कहा लिखना है जो मिडल वाले दो बेस्ड क्लासेस है वहां पे वर्चुअल की वर्ड यूज करेगा उससे क्या होता है हमारा जो हमारा चाइल्ड क्लास है वो क्या करता है चाइल्ड क्लास या जो हमारा लास्ट वाला डिराइव क्लास है उस वो क्या करता है कंपाइलर उसे सिर्फ एक ही कॉपी भेजता है इंस्टेड ऑफ टू और थ्री कॉपीज तो ये होता है वर्चुअल बेस क्लास जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास ऑलरेडी है देन है एक्सप्लेन वर्चुअल बेस क्लास विथ एन एग्जाम्पल अगेन सेम क्वेश्चन प्रोग्राम्स देखो कौन से कौन से आते हैं हाँ जैसे कि मैंने आपको इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ाते वक्त पहले ही बताया है कि इनहेरिटेंस के ऊपर प्रोग्राम आइदर ये ब्लॉक डायग्राम के आएंगे या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू आएंगे तो ब्लॉक डायग्राम में डायरेक्टली दिख रहा है कि हमारे पास दो बेस क्लासेस है और एक क्लास है तो ऑब्जेक्ट पे बट रिजल्ट का ही क्रिएट होने वाला है साइंस के अंदर एक गेट फंक्शन होने वाला है मैथ के अंदर एक गेट फंक्शन होने वाला है दोनों के मार्क्स दोनों के अंदर गेट फंक्शन के थ्रू क्या होने वाले हैं इनपुट करके लिए जाएंगे और रिजल्ट फंक्शन में क्या होगा फिजिक्स के मार्क्स मिस्ट्री के मार्क्स देन अल्जेब्रा के मार्क्स ज्योमेट्री के मार्क्स का एडिशन करके उसका रिजल्ट का टोटल हमें क्या करना है रिजल्ट वाले क्लास के अंदर डिस्प्ले करना है तो ये वाले फॉर्मेट में और बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी ये जो एग्जांपल दैट एग्जांपल इज ऑफ हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस ये जो एग्जांपल है ये है हमारा हेराजिकल इनहेरिटेंस तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हेराटिकल इनहेरिटेंस आता है तो ये स्टाफ और टीचर इज अ डिफरेंट सेक्शन ऑफिसर एंड स्टाफ इज अ डिफरेंट सेक्शन तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों के क्रिएट किए जाएंगे टीचर का भी होगा एंड ऑफिसर का भी होगा तो आ, आप अगर बोलोगे कि टीचर के ऑब्जेक्ट से मैं स्टाफ का भी कॉल करूंगी और ऑफिसर का भी तो नहीं होगा टीचर के ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन कॉल किए जाएंगे स्टाफ के एंड टीचर के ऑफिसर के ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन कॉल किए जाएंगे स्टाफ के एंड ऑफिसर के ओके देन नेक्स्ट है सिर्फ यहाँ पे दिया है डेवलपर सी फॉर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो आप एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट याद करके रखो कि मेरा स्टूडेंट क्लास है देन लाइब्रेरी क्लास है देन रिजल्ट क्लास तो ये प्रॉपर अगर आप याद करके रखोगे कि स्टूडेंट के अंदर क्या डेटा होंगे लाइब्रेरी के अंदर क्या डेटा होंगे एंड देन रिजल्ट के अंदर क्या डेटा में यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम देन अगेन ये वाला भी क्वेश्चन सेम है ये क्वेश्चन भी है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का जिसके अंदर दो हमारे बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है ये तो हो गए डायग्राम वाले क्वेश्चन अगेन हमें यहाँ पे देखो तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे हमारा चॉइस है हम लोग कोई भी डायग्राम ड्रॉ करके उसका एग्जाम्पल एक दे सकते हैं देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या दिया है राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ क्लास कॉलेज विथ अ नेम एंड कोड मतलब पहला क्लास मेरा कौन सा है कॉलेज है तो कॉलेज के लिए मेरे डेटा मेंबर्स में कौन से होने वाले हैं नेम एंड कॉलेज का कोड मतलब ये मेरा फर्स्ट बॉक्स हो गया ओके देन नेक्स्ट क्या है डिराइव अ न्यू क्लास एज अ स्टूडेंट मतलब मेरा नेक्स्ट क्लास होने वाला है स्टूडेंट इसके डेटा मेंबर्स कौन से होने वाले हैं नेम ओके एक ही डेटा है इसको हाँ एक ही डेटा है तो ये है हमारा बेस क्लास ये है हमारा डी डा क्लास इसके अंदर एक गेट फंक्शन ले लो या फिर सिर्फ इसको डिक्लेयर करके रखो यहाँ पे गेट फंक्शन यहाँ पे यूज करो यहाँ पे एक्सेस करो तो भी चल जाएगा ओके तो ये आइदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू या फिर इस डायग्राम के थ्रू इस चैप्टर के प्रोग्राम से हमें पूछे जा सकते हैं देन नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है पॉइंटर एंड पोलिमोर्फिज इन सी प्लस प्लस तो मैक्सिमम ये वाला चैप्टर प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर 22 मार्क्स के लिए पूछा गया है टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट द नीड ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन का नीड क्या है क्यों चाहिए हमें वर्चुअल फंक्शन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द्वारर विथ एग्जाम्पल पॉइंटर कैसे वर्क करता है ये हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ अनादर वेरिएबल विथ अ सेम टाइप सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस मतलब इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का एड्रेस सेव करेगा फ्लोट टाइप का एड्रेस को सेव नहीं करेगा पॉइंटर एक वेरिएबल है जो क्या करने वाला है हमारा किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखने वाला है डिफाइन पॉलीमोर्फिज्मी बताया पॉलीमोर्फिजम पॉली एंड मॉर्फिज्मी फॉर्म्स कौन से कौन से है वो भी आपको लिस्ट करना पड़ेगा स्टेट एनी फोर रूल फॉर अ वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए रूल्स है प्रॉपर वो सिर्फ आपको क्या करने है फोर रूल्स को लिखना है देन नेक्स्ट है स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ अ पॉइंटर पॉइंटर के एडवांटेजेस कौन से कौन से है ये आपको लिस्ट करके फोर एडवांटेजेस आपको लिखना पड़ेगा देन डिफाइन पॉलीमोर्फिजम विद इट्स टाइप अगेन सेम क्वेश्चन फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऑपरेटर एंड जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर है पॉइंटर इज अ स्टार वाला ऑपरेटर एंड एड्रेस इज अम्पलसेंट वाला ऑपरेटर इसको एक्सप्लेन करना ये ऑपरेटर क्या करता है और ये ऑपरेटर क्या करता है ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस विद एग्जाम्पल जो हमारा this pointer है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, this pointer क्या करता है? अगर हमारा पैरामीटर नेम एंड क्लास वेरिएबल ने क्या करना पड़ता है यूज करना पड़ता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलिमोर्फिजम याद रखना है अगर सिक्स मार्क्स के लिए कहीं पर भी डिस्टिंग मोस्टली नहीं पूछा जाता है लेकिन अगर पूछा गया तो आपको सिक्स पॉइंट्स कवर करने हैं वहां पे ओके okay? तो यहाँ पे फोर मार्क्स के लिए है इसके लिए एनी फोर बोला गया है देन डिस्क्राइब द फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग विद प्रोग्राम क्या होता है किसी भी क्लास के अंदर सेम नेम के अगर एक से ज्यादा फंक्शन रहेगे तो उसको हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे बट कंडीशन इज दैट उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो पैरामीटर लिस्ट है या पैरामीटर के टाइप्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए इसका प्रॉपर एग्जाम्पल आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ओवरलोड द्लस ऑपरेटर टू कॉन्टिनेट टू स्ट्रिंग हमने देखा था दो नंबर्स का एडिशन के लिए इंस्टेड ऑफ दो दो नंबर यू हैव टू पास टू स्ट्रिंग ओर सो दैट हमारा क्या हो जाएगा दो स्ट्रिंग्स का कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे अगेन आपको क्या लिखना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जो रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं उस वो रूल्स आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा है इसके अंदर प्रोग्राम्स कौन से कौन से पूछे जा सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम है डिफाइन अ क्लास बुक विथ फॉलोइंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन फॉर टेन बुक्स डेटा मेंबर फंक्शन मतलब ये क्या करना है हमें पॉइंटर के थ्रू करना है फर्स्ट है बी नेम मतलब बुक का नेम बी प्राइस एंड बी ऑथर मतलब बुक का नेम बुक का प्राइस नेम किस में आएगा कैरेक्टर आर एस प्राइस इधर फ्लोट में लेना है फ्लोट में लो या फिर इंटीजियर में लेना इंटीजियर में लो ऑथर का नेम अगेन कैरेक्टर आर ए के अंदर आएगा तो गेट फंक्शन में इसको क्या करना है डेटा को इनपुट करके लेना है और डिस्प्ले पुट फंक्शन में डेटा को हमें डिस्प्ले करना है राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ क्लास आइटम कंटेनिंग डेटा में आइटम नेम कोड प्राइस एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फॉर वन ऑब्जेक्ट यूजिंग पॉइंटर टू दैट ऑब्जेक्ट पॉइंटर टू दैट ऑब्जेक्ट पॉइंटर टू दैट ऑब्जेक्ट मतलब प्रोग्राम ओवरऑल सेम आएगा सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा हमारा मेन फंक्शन में क्लास आइटम है तो आइटम का एक पॉइंटर वेरिएबल आएगा और एक नॉर्मल वेरिएबल आएगा नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा एंड देन उस पॉइंटर वेरिएबल से हमें कॉल करना है हमारा गेट फंक्शन एंड देन वी हैव टू कॉल हमारा डिस्प्ले फंक्शन इतना ही डिफरेंस है बाकी प्रोग्राम का मेथड जो हमारा प्रीवियस वाला है सेम यू हैव टू फॉलो और जब ऐसे नाम दिए जाते हैं ना कि आइटम अंडर नेम कोड एंड प्राइस तो सेम नाम यू हैव टू यूज जब आपको ब्लॉक डायग्राम भी दिया जाएगा इनहेरिटेंस पे उसके अंदर जो नाम मेंशन है तो वही नाम तो कभी कभी क्या किया जाता है वहां पे दिया जाता है आइटम और नेम तो इसका मतलब ये नहीं कि बुक आ, मतलब प्रोग्राम के अंदर आप ऐसे लिखो कि कैरेक्टर एरे आइटम नेम ऐसे नहीं करना है वहां पे इधर अंडर डालो या फिर आइटम नेम कंबाइन करो तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है तो कभी भी वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं आता है तो आइडर उसको कंबाइन या फिर अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपर सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू परफॉर्म द अरिथमेटिक यूजिंग द पॉइंटर तो पॉइंटर के ऊपर प्लस ऑपरेशन कैसे वर्क किया जाता है माइनस ऑपरेशन कैसे वर्क किया जाता है इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने देखे और वो कैसे परफॉर्म करता है ये भी सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर फाइव विच इज अ फाइल ऑपरेशन जो टेन मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और गिने चुने क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर के अंदर और ये मैक्सिमम ट्वेल्व मार्क्स के लिए प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है तो दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइल मोड्स यूज टू परफॉर्म दी फाइल ऑपरेशन फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फाइल की कौन से कौन से मोड्स है उसको सिर्फ लिस्ट करना है Then list all stream classes. Stream classes का बहुत बड़ा डायग्राम हम लोगों ने देखा है उसमें से कोई भी स्ट्रीम क्लासेस को आपको आइदर uh, लिस्ट करना है देन लिस्ट ऑल दी स्ट्रीम क्लासेज यूज इन स्ट्रीम ऑपरेशन स्ट्रीम ऑपरेशन के अंदर जितनी भी स्ट्रीम क्लासेस है हमारे उन क्लासेस को आपको क्या करना है लिस्ट करना है

फाइल एबीसी डॉट टी एक्स टी अभी हमें क्या करना है फाइल से डेटा को रीड करना तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी हमने देखा है आ, इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ हमें क्या करना है फाइल का नेम जो है वो क्या देना पड़ेगा एबीसी डॉट टी एक्स टी बाकी जो प्रोसेस है हमारा जो फाइल के अंदर डेटा हमने रीड किया था और आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले किया था सेम प्रोग्राम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो देन राइटर सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर राइट इन टू अ फाइल यूजिंग अ फाइल ऑपरेशन तो फाइल के अंदर जो राइटिंग वाला था जो हम लोगों ने अ टाइप किया हुआ डेटा है या कोई भी अगर टाइप हमें डायरेक्टली प्रोग्राम थ्रू फाइल के अंदर राइट करना है तो ये भी एक प्रोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है सेम प्रोग्राम आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो ये प्रोग्राम बहुत छोटे छोटे है चार चार लाइन्स का कोड है रटो मत समझ के ले लो वो क्लियर हो जाएगा देन राइटर्स प्लस प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ फ्रॉम अनादर फाइल ये मोस्ट ऑफ दाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर कि एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल के अंदर कैसे कॉपी करेंगे तो यहाँ पे दो कभी कभी ये टाइप से पूछा जा सकता है कभी कभी दोनों फाइल का नाम दिया जाता है कि पहले का नाम है सोर्स डॉट टीएक्टी दूसरे का नाम है डेस्टिनेशन डॉट टीएक्टी तो जिसका डेटा रीड करना है दैट इज नथिंग source और जिसके अंदर कॉपी करना है दैट इज नथिंग बट योर डेस्टिनेशन तो वो हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे फाइल के और तो वो हिसाब से डेटा रीडिंग एंड राइटिंग का प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा देन राइट अ प्रोग्राम टू काउंट अंबर ऑफ लाइन्स नंबर ऑफ लाइन्स कितने है? ये काउंट करने के लिए प्रोग्राम्स ये भी हो चुका है हम लोगों ने वर्ड काउंट कैरेक्टर काउंट ये वाले भी प्रोग्राम्स पूरे ले चुके हैं हम लोग डेवलपर सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू ओपन एंड रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रिंग इन अ फाइल एंड क्लोज इट मतलब हमें क्या करना है कोई फाइल को पहले ओपन करना है उस फाइल से कंटेंट को रीड करना है देन uh, रीड करने के बाद आपको अगर आउटपुट कंसोल पे सीआउट से डिस्प्ले करना है आप डिस्प्ले कर सकते हो सेकेंड थिंग है आपको सेम फाइल के अंदर मतलब डैट फाइल मस्ट बी ओपन इन अ रीडिंग एंड राइटिंग मोड दोनों मोड के अंदर वो ओपन होनी चाहिए फाइल देन सेम फाइल के अंदर हमें क्या राइट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक स्ट्रिंग ऐड करना है मतलब राइट करना है पहला वाला वाला कोड कोड इज इज फॉर फॉर रीडिंग फ्रॉम फ्रॉम अ फाइल दूसरा राइटिंग ये वाला जो क्वेश्चन है ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये सिक्स मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं तो ये हमारा अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए इस सभी क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर्स, सभी प्रोग्राम के प्रॉपर कोड आपको ट्यूटोरियल आप पे मिल जाएगा आई होप आज का क्वेश्चन बैग आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप तोसिफ ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करके वहां पे ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर हर पॉइंट डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं थैंक यू